हेलो, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ट्रेसपास टू द पर्सन। ट्रेसपास टू द पर्सन में हमारे तीन पॉइंट हैं, बैटरी, असॉल्ट एंड फॉल्स एम्प्रिजनमेंट। आज की वीडियो में हम सिर्फ बैटरी को समझेंगे कि बैटरी क्या होती है और हम कैसे जान सकते हैं कि इस वाले पर्टिकुलर केस में बैटरी कमिट हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। बैटरी का रॉन्ग तब कंसिस्ट होता है जब एक पर्सन इंटेंशनली क्या करता है, फोर्स यूज करता है अनदर पर्सन के अगेंस्ट एंड विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। नॉर्मल सी डेफिनेशन है, ये कहती है कि भाई बैटरी तब कमिट होगा जब एक इंसान दूसरे इंसान के अगेंस्ट इंटेंशनली फोर्स यूज कर रहा है और वो करने के लिए, वो फोर्स यूज करने के लिए उस पर्सन के पास किसी तरीके की लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है, यानी लॉफुली वो ऑथराइज्ड नहीं है वो फोर्स यूज़ करने के लिए। एग्जाम्पल, अगर ए है, ये एक पब्लिक ऑफिसर है, लगा लीजिए ये पुलिस ऑफिसर है, और इसने बी को अरेस्ट किया है। अरेस्ट करके इससे पूछताछ कर रहे हैं और इससे जानने की कोशिश करी जा रही है इसने थेफ्ट किया है या नहीं किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ए ने बी के अगेंस्ट फोर्स यूज़ किया, तो क्या यहाँ पे बैटरी है? तो यहाँ पे बैटरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो ए पर्सन है वो लॉफुली फोर्स यूज़ कर रहा है, मतलब लॉफुली वो अपना काम कर रहा है, ये उसका काम है। ओके, बट अगर एग्जांपल लगाइए कि ए एक नॉर्मल इंडिविजुअल है और ये बी को थप्पड़ मार देता है, ठीक है, जिसमें लॉफुली इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, तो यहाँ पे बैटरी कमिट हुई है। ओके, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इंटेंशनली फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और दूसरा ज़रूरी है बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के फोर्स को आप यूज़ कर रहे हो। तो चलिए हम इसे डिटेल में देखते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को। ये असेंशियल एलिमेंट्स हैं हमारे बैटरी के, कि इंटेंशनली आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो किसी दूसरे पर्सन पर एंड बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के कर रहे हो। हमारा फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है यूज़ ऑफ फोर्स। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि भाई जो फोर्स आपने यूज़ किया है अगर वो बहुत ही कम है, अगर वो बहुत ही कम है ना, तो भी बैटरी माना जाएगा। बहुत कम है, लगा लीजिए कि पर्सन को फिजिकल हर्ट भी नहीं हुआ, यानी फिजिकली कोई भी इंजरी या फिजिकली कोई भी हार्म पर्सन को नहीं हुआ, बट सिर्फ आपने क्या किया, सिर्फ आपने टच कर दिया गुस्से में, तो भी वो क्या माना जाएगा, तो भी बैटरी माना जाएगा। ओके, तो कहा गया है कि भाई बेशक से फोर्स बहुत ही कम यूज़ हुआ हो और कोई हार्म कॉज ना किया हो, बट स्टिल माना जाएगा कि बैटरी कमिट हुई है। फिजिकल हर्ट यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, अगर आप सिर्फ गुस्से में दूसरे पर्सन को टच भी कर रहे हो तो भी बैटरी माना जाएगा। अब ये भी पॉसिबल है, लगाइए कि ये ए पर्सन है, इसने बी पर पानी फेंका है। अब इसने बॉडीली टच तो नहीं किया, अब ए ने बी को यहाँ पे बॉडीली टच तो नहीं किया ना, सिर्फ पानी फेंका है वो भी दूर से, तो क्या यहाँ पे भी बैटरी है? तो यस, बैटरी है। आप फोर्स जो है वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बॉडीली कांटेक्ट करना ही ज़रूरी है। आप किसी स्टिक को यूज़ करके, बुलेट को यूज़ करके, पानी फेंक कर, पर्सन के फेस पे स्पिट करके, ऐसे करके भी, जैसे पर्सन को चेयर से गिरा के, ये सारी चीज़ें भी मानी जाएंगी। हाँ भाई, आप फोर्स यूज़ कर रहे हो, इंटेंशनली यूज़ कर रहे हो एंड बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के कर रहे हो, तो आप बैटरी कमिट कर रहे हैं। ओके, अब सिर्फ इतना ही नहीं कि सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ऑडर, अगर पर्सन को कोई फिजिकल इंजरी होती है या पर्सनल डिस्कम्फर्ट होता है, पर्सनल डिस्कम्फर्ट को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, तो वो भी बैटरी हो सकता है। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, यूज़ ऑफ फोर्स। बस अगर आप टच भी कर रहे हो गुस्से में तो वो भी बैटरी हो सकता है। ओके, तो अब हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। इस पॉइंट में ये ज़रूरी है कि जो फोर्स आप यूज़ कर रहे हो वो इंटेंशनल होना चाहिए एंड बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के होना चाहिए। अब देखिए, अगर दो या दो से ज़्यादा इंसान, एग्जांपल के लिए ये बहुत ही, लगा लीजिए बहुत ही नैरो पैसेज है, बहुत ही नैरो स्ट्रीट है, बहुत ही भीड़ी गली है, जिसमें से लगा लीजिए कि दो इंसान इधर से आ रहे हैं और दो इधर से आ रहे हैं, और ये एक प्लेस पे तो ज़रूर मिलेंगे, राइट? तो अब लगाइए कि अगर ये यहाँ पे मिल रहे हैं
बिना किसी वॉयलेंस के, बिना किसी हार्म के, और अगर एक दूसरे को नॉर्मली टच हो जाता है तो वहाँ पे बैटरी नहीं होगा। बट अगर इनमें से कोई भी पर्सन, इनमें से जैसे एग्जांपल इन दोनों में से या इन दोनों में से कोई भी पर्सन अगर रूड या फिर इनऑर्डिनेट मैनर में बिहेव करता है तो हम उसको कहेंगे कि बैटरी कमिट हुआ है। ओके, तो बैटरी कमिट हुआ है। दो चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पे भी, एक तो फोर्स आपने इंटेंशनली यूज़ किया हो, दूसरा बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के आपने फोर्स यूज़ किया हो। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, चलिए डायरेक्ट केस देखते हैं। स्टैनली वर्सेस पावल का एक एक लीडिंग केस है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एंड काफ़ी हेल्पफुल है इस पॉइंट को समझने के लिए। अब इस केस में होता क्या है, ये जो पर्सन है ये भी शूटिंग पार्टी का मेंबर है, और ये जो पर्सन है ये भी इसी पार्टी का मेंबर है। तो ये शूटिंग पार्टी चल रही थी, तो अब क्या हुआ, जो ये पर्सन है इसने क्या किया, इसने ट्री पर बैठे हुए एक तित्तर पर फायर करा, एक फीजेंट पर इसने निशाना साधा, इसने शूट कर दिया, और क्या हुआ कि जो बुलेट थी वो यहाँ तक पहुँची और वापस आके इस पर्सन को लग गई। अब इसको हर्ट हुआ। तो यहाँ पे स्टैनले जो था, जो दूसरा मेंबर है पार्टी का, इसको एक्सीडेंटली लगी है, जानबूझ के तो नहीं लगी। तो अगर एक्ट विलफुली होता, जानबूझकर करा होता, लापरवाही से होता, तो हम डिफेंडेंट को लायबल बना सकते थे, यानी तब हम इस वाले पर्सन को लायबल बना सकते थे। बट यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे इसको इंटेंशनली नहीं यूज़ किया है इसने फोर्स, यहाँ पे इस पर्सन ने इसके अगेंस्ट फोर्स इंटेंशनली यूज़ नहीं किया है, तो हम यहाँ पे इसको लायबल नहीं बना सकते। चलिए कुछ और चीज़ें देखते हैं। अब एग्जांपल के लिए लगाइए कि एक इंसान जो है वो इस तालाब में डूब रहा है और आप यहाँ से जा रहे हो, एग्जांपल आपका नाम ए है और आप यहाँ से जा रहे हो, तो आपने देखा कि ये इंसान जो है वो डूब रहा था, तो आपने इसको फोर्सफुली बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या ये बैटरी है, आप हार्म यूज़ कर रहे हो, इंटेंशनली हार्म यूज़ कर रहे हो। तो आंसर है कि यहाँ पे ये जो पर्सन है ए, यहाँ पे बैटरी नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप एक लाइफ को बचा रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल लगाइए। एग्जांपल यहाँ पे स्ट्राइक चल रही है और ये पर्सन है ए, ये लीडर है लगा लीजिए, तो आपको लग रहा है कि ये जो स्ट्राइक कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक चल रही है, यानी कि भूख हड़ताल चल रही है, आप इनको फोर्सफुली खाना खिला देते हो, ठीक है। यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, जान बचाने के लिए कर रहे हो, फोर्सफुली आप इन्हें खाना खिला रहे हो इनकी लाइफ को बचाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने कोई भी बैटरी कमिट नहीं करी है। उसी तरीके से ये एक ए पर्सन जो है वो एक कंपिटेंट सर्जन है, एक योग्य सर्जन है, और ये क्या कर रहा है, ये ऑपरेशन कर रहा है एक पर्सन का जो कि बेहोश है। तो उस टाइम पे ये क्या कर रहा है, ए पर्सन की लाइफ सेव कर रहा है, तो यहाँ पे भी बैटरी नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा। हमने देखा बैटरी क्या होती है, तो बैटरी वहाँ पे होती है जब एक पर्सन इंटेंशनली फोर्स यूज़ करता है किसी दूसरे के अगेंस्ट बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन में। अब आपका फोर्स कितना भी कम हो, फिज़िकल हार्म अगर नहीं हो रहा, तो भी आप बैटरी के लिए लायबल हो सकते हो। सेकंड थिंग, बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के होना चाहिए। अगर लॉफुली पर्सन आपको हार्म कर रहा है, अगर लॉफुली, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया पुलिस ऑफिसर का, इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें हार्म पहुंचाता है लॉफुली, तो वहाँ पे वो पर्सन बैटरी के लिए लायबल नहीं होगा। तो बैटरी के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, कि एक पर्सन दूसरे के अगेंस्ट इंटेंशनली फोर्स यूज़ कर रहे हैं और बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के यूज़ कर रहे हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।